ये जो सैमसंग का नोट 10 प्लस फ़ोन है जिसके अंदर नो सर्विस नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो नो सर्विस का सिंबल आ रहा है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम है नो सर्विस का। मैं सिम डाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप देख सकते हैं अभी भी नो सर्विस ही आ रहा है, और सिम कार्ड भी अननोन दिखा रहा है। तो सिम मैनेजर में जाके देखते हैं तो सिम कार्ड अननोन दिखा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बेसबैंड इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ, सब इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। तो एक बार ये देखो, एक बार हम क्या करते हैं सिम मैनेजर में जाके देखते हैं। ये देखो अननोन दिखा रहा है, मतलब सिम तो डिटेक्ट हो रही है, अननोन दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि फ़ोन के अंदर शायद मदरबोर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए फ़ोन को ओपन कर लेते और देख लेते हैं। क्या करेंगे, पत्रे को काट के इसको निकालेंगे, क्योंकि अगर इसको पे होट गन से निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद मदरबोर्ड ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ड्रिल करेंगे और उसके बाद में पत्रे को तोड़ के निकालेंगे। उसके अंदर ही नेटवर्क सेक्शन है। तो चलिए पत्रे को निकाल के देखते हैं। ये हमने पत्रे को निकाल दिया। अब हॉट टेस्टिंग करेंगे और वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे कि सबसे पहले हम PFIC के पास 1.8 वोल्टेज चेक करेंगे, वो कंपलसरी आना चाहिए जो CPU कमांड भेजता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को उसके बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं, लगा देते हैं। उसके बाद में फ़ोन को ऑन करके देखेंगे कि क्या 1.8 वोल्टेज जो हमारी PFIC के पास वो CPU इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आता है कि नहीं, मतलब वो CPU वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन बेसबैंड IC को भेजता है, और बेसबैंड IC के पास में भी वोल्टेज चेक करेंगे वो आता है कि नहीं। तो सबसे पहले फ़ोन को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखो मैंने ऑन कर दिया है। अब हम चेक करेंगे वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए पहले फ़ोन को ऑन हो जाने देते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखो फ़ोन अब पूरा बूट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। मैं फ़ोन को माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके अच्छी तरह से सेट कर देता हूँ, और मल्टीमीटर को भी DC
DC वोल्ट में सेट कर दिया है। ये देखो मैंने सेट कर दिया है। DC वोल्ट 20 डिजिट में हमें चेक करना है। ब्लैक प्रोप को ग्राउंड करना है हॉट टेस्टिंग में, और रेड प्रोप से चेक करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखो ये VBAT का वोल्टेज आ रहा है, तो कंपलसरी आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं 1.8 वोल्टेज आ रहा है, मतलब CPU का मान जो भेजा था वो CPU को मिल रहा है। ये देखो 1.8 वोल्टेज आ रहा है, मतलब 3G 4G IC की इंफॉर्मेशन CPU को मिल रही है। ये फ़ोन का डिज़ाइन इस तरीके का है, तो यहाँ पे ये वोल्टेज चेक करना पड़ता है, जो नेटवर्क सेक्शन का जो वोल्टेज मेजरमेंट है वो, ये डिज़ाइन है इस तरीके का ये मदरबोर्ड का, तो इसके लिए हमें ये चेक करना पड़ता है सब वोल्टेज। वोल्टेज चेक करने से हमें पता चल जाता है कि ये कहाँ से प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसबैंड IC के पास वो वोल्टेज चेक करेंगे। एक बार PF का दूसरा कोई वोल्टेज आता है नहीं, वो हम चेक कर लेते हैं। फोन अभी भी ऑन है, ये देखो हम बेसबैंड IC के पास हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे 0.8 या 0.9 वोल्टेज आना चाहिए जो बीच वाला। ये देखो ये तो सही वोल्टेज आ रहा है। ये कैपेसिटर पे रिफ्लेक्स वाला 1 वोल्टेज आना चाहिए, 1.2 समथिंग, ये वो नहीं आ रहा है। और ये कैपेसिटर पे 1.8 वोल्टेज आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो वहाँ, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आना चाहिए कंपलसरी, नहीं आ रहा है। ये वाले कैपेसिटर पे, ये ऊपर वाले कैपेसिटर पे 1.2 समथिंग वोल्टेज वेरिएशन वाला होना चाहिए, यहाँ पे 1.8 आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये IC के अंदर शायद लूज कनेक्शन हो गया, क्योंकि ये 0.8 वोल्टेज तो आ रहा है, तो ये IC मेरे ख्याल से डैमेज तो नहीं हुआ है। तो उसके अंदर जो बोल्ट होता है ना, ये देखो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज वेरिएशन वाला, 1.2 वोल्टेज वेरिएशन वाला आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है ये वाला कैपेसिटर पे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आना चाहिए जो नहीं आ रहा है। इसका मतलब 0.8 वोल्टेज कैपेसिटर पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि शायद IC के अंदर जो बोल्ट होते हैं वो शायद लूज कनेक्शन हो गए है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो एक बार क्या करते हैं, IC को रीहॉट करके देख लेते हैं कि क्या उसके बाद में, रीहॉट करने के बाद में क्या हमारा नेटवर्क आता है, और जो मैंने वोल्टेज बताया है वो वोल्टेज नहीं आ रहे है, क्या उसके बाद में रीहॉट करने के बाद में वो वोल्टेज आते हैं कि नहीं, वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले IC को रीहॉट कर लेते हैं। चलिए अभी ये जो मैंने जो वोल्टेज मेजरमेंट किया है ये ही फ़ोन के लिए है। अगर कोई दूसरा फ़ोन आ जाएगा तो वो पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, वही है मेरा कि अगर आपको सेमेस्टिक डायोग्राम का नॉलेज है तो आप कोई भी फ़ोन ऐसे वोल्टेज मेजरमेंट और ग्राउंड के साथ कितना रीडिंग आना चाहिए वो सब कुछ आप पता कर सकते हैं। अभी ये मैं आपको ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये यही फ़ोन के लिए है। अगर दूसरा कोई मदरबोर्ड आ जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप ज़्यादातर सेमेस्टिक डायोग्राम के अंदर आप सीखने की कोशिश कीजिए,
तो नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई भी मदरबोर्ड आता है तो आपको बहुत ही इजीली आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। अभी ये सॉल्यूशन यही फ़ोन के लिए है। कहने का मतलब है ये है कि आप सेमेस्टिक डायोग्राम रीड करने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। चलो आईसी को रिहॉट कर लेते हैं और देखते हैं उसके बाद में। Thank you.
आईसी को रिहॉट कर लिया है और मदरबोर्ड को उसकी बॉडी के साथ फिट कर देते हैं। उसके बाद में फ़ोन को ऑन करके सिम कार्ड डाल के चेक करते हैं कि क्या हमारा नेटवर्क का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलिए पहले सारे कनेक्टर लगा देते हैं, उसके बाद में फ़ोन को ऑन करेंगे और देखेंगे। ये फ़ोन अभी बूटिंग प्रोसेस में है, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट, इसके बाद में फ़ोन कंप्लीट ऑन हो जाएगा। देखो मैंने सिम कार्ड डाल दिया है, देखो मैंने सिम कार्ड को डाला। अभी हम चेक करेंगे क्या नेटवर्क आता है कि नहीं। ये आप देख सकते हैं ये नेटवर्क आ गया है, जो पहले जो कि नेटवर्क नहीं आ रहा था, अभी ये नेटवर्क आ रहा है। एक बार हम क्या करते हैं, कॉलिंग करके भी देख लेते हैं। ये देखो नेटवर्क 4G आप देख सकते हो। अब हम क्या करके कॉलिंग करेंगे, चलो कॉलिंग करके देख लेते हैं। एक बार वो वोल्टेज चेक कर लेते हैं जो नहीं आ रहा था, 1.2 वेरिएशन वाला वोल्टेज और 1.8 जो वोल्टेज बेसबैंड आईसी के पास नहीं आ रहा था। तो क्या अभी ये नेटवर्क आ जाने के बाद वो वोल्टेज आता है कि नहीं, तो चलिए वो भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 0.8 वोल्टेज तो आ रहा था, उसके ऊपर जो कैपेसिटर है 1.8 वोल्ट 1.2 वोल्टेज वो नहीं आ रहा था और 1.8 वोल्टेज भी नहीं आ रहा था। तो चलिए हम वोल्टेज को देख लेते हैं। ब्लैक प्रोब को ग्राउंड किया और रेड प्रोब से चेक करना है हॉट टेस्टिंग में हमेशा, ये याद रखना। ये देखो 0.8 जो पहले भी आ रहा था, यहाँ पे 1.2 वोल्टेज, ये देखो वेरिएशन वाला वोल्टेज आ गया, तो उससे पहले नहीं आ रहा था जब नेटवर्क का प्रॉब्लम था। अभी आप देख सकते हो 1.2 वोल्टेज जो वेरिएशन वाला, नेटवर्क आने के बाद ये वोल्टेज आ गया, यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आप देख सकते हो वो भी आ गया। ये देखो 1.8 वोल्टेज जो कि पहले नहीं आ रहा था। आप देख सकते हो ये मैंने किस तरीके से ये प्रॉब्लम को फाइंड किया, क्योंकि मैंने डायोग्राम का पहले डायोग्राम को रीड किया, उसके बाद में सारे वोल्टेजेस को मेजरमेंट करने के बाद मेरे को यही पता चला कि ये आईसी के अंदर लूज कनेक्शन है। उसके बाद में मैंने आईसी को रीहॉट किया, उसके बाद में ये वोल्टेज नहीं बन रहे थे, वो बनना शुरू हो गए और नेटवर्क भी आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।